एम्फन तो बाद हुण निसर्ग तूफान दा खतरा। चक्रवाती तूफान निसर्ग कारण मुंबई चे हाई अलर्ट। मुंबई चे कहर टा सकदा चक्रवाती तूफान निसर्ग। भारत विच एक पासे कोरोना ने कहर मचाया होया, उत्थे ही दूजे पासे चक्रवाती तूफान निसर्ग दा साया देश ते मंडरा रहा है। ताज़ा तस्वीरां मुंबई तो सामने आ रही ने, जिथे चक्रवाती तूफान निसर्ग ने अपनी मौजूदगी दिखाउणी जाहर कर दिती है ते इसका असर जड़ा तटी इलाकियां ते दिखना साफ शुरू हो गया। समुंदर विच काफ़ी उछाल देखा जा रहा है ते आस पास दे इलाकियां चे तेज़ हवावां चल रही ने ते भारी बारिश हो रही है। महाराष्ट्र दे कुछ तटवर्ती इलाकों में चक्रवात तूफान बारे चेतावनी जारी की गई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इसका असर दक्षणी गुजरात ते उत्तरी महाराष्ट्र विच होवेगा ते अजिहा तूफान पिछले 70 सालों तो भारत विच नहीं वेख्या गया। अरब महासागर विच लो प्रैशर बैल्ट बनने की वजह नाल इस चक्रवात की मुंबई नू प्रभावित करने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि हुण तक ये तय नहीं है कि यह मुंबई वल आवेगा या फिर अपना रस्ता बदल लवेगा। आशंका जताई गई है कि यह मुंबई तो 100 किलोमीटर दूर अलीबाग के तट नाल टकरा सकता है। मौसम विभाग ने इस तूफान के 3 जून नू उत्तर महाराष्ट्र ते दक्षणी गुजरात के तटी इलाकों नाल टकराउण की चेतावनी दी है अते लोकां नू सावधानी वरतन के निर्देश दिते ने। इसका असर सब तो वध वीरवार नू देखण नू मिलेगा। इस समय के दौरान हवावां 100-125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार नाल चल सकदियां हन। कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी चेतावनी दे दी गई है। इस दे नाल ही मुंबई के इस तूफान कारण हाई अलर्ट जारी कर दिया गया, जिस दे चलते घटो घट 10,000 लोगों नू सुरक्षित थावां ते ले जाया जा रहा है। साइक्लोन के खतरे के मद्देनज़र प्रशासन ने बुधवार को सारे शहर में धारा 144 लागू कर दी और लोगों को समुद्री किनारों और पार्कों पर आने पर पाबंदी लगा दी है। प्रशासन पूरी जद्दोजहद नाल इस तो होने वाले नुकसान तो बचने की कोशिश कर रहा है, पर देखना यह होगा कि यह चक्रवाती तूफान एम्फन नालों घट खतरनाक होवेगा जा इस तो वध खतरनाक साबित हुंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट।